हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, रिकॉइल ऑफ ए गन या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है। इसमें गन के मास को हम कैपिटल एम के साथ और गन की वेलोसिटी को कैपिटल वी के साथ डिनोट कर रहे हैं, और बुलेट का जो मास है उसे स्मॉल एम से और वेलोसिटी को स्मॉल वी से डिनोट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, पी से, और यह प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके क्या आता है? लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें ये बताता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, उसका जो टोटल मोमेंटम होता है वह इनिशियल और फाइनल इक्वल होता है, यानी कि वह कांस्टेंट रहता है टोटल मोमेंटम उसका। जैसे स्टार्टिंग में जब फायर नहीं किया गया था तो गन की वेलोसिटी क्या थी? जीरो, और बुलेट की वेलोसिटी भी जीरो थी। इसका मतलब जब फायर नहीं किया गया था, या कह लो बिफोर फायर, जो इनिशियल मोमेंटम था जिसे हम पी आई से लिख लेते हैं, जो इनिशियल मोमेंटम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो, इनिशियल मोमेंटम की बिफोर फायर। और जब फायर किया गया तो बुलेट आगे की तरफ मूव होता है और जो गन होती है उसको पीछे की तरफ फोर्स लगती है, वह पीछे की तरफ मूव होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। तो दोनों में वेलोसिटी क्रिएट होती है। अगर दोनों में वेलोसिटी क्रिएट होगी तो मास की वैल्यू तो होती ही है कॉन्स्टेंट पहले से, और वेलोसिटी क्रिएट होने से क्या एम वी का कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इस तरह से जो फाइनल मोमेंटम होगा, जो फाइनल मोमेंटम होगा उस सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का, वो गन, सिस्टम में कौन कौन है? गन और बुलेट, तो वो इक्वल किसके होगा? एम वी प्लस स्मॉल लेटर में एम वी, यहाँ पर कैपिटल एम वी। तो गन के जो मास है कैपिटल एम, गन की वेलोसिटी कैपिटल वी, जो बुलेट का मास है स्मॉल लेटर से एम, और वेलोसिटी भी स्मॉल लेटर की वी। और आफ्टर फायर का जो मोमेंटम है उसे हम एफ से डिनोट कर देते हैं, पी एफ, यानी कि फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए थे? कॉन्स्टेंट, मतलब इक्वल। अगर स्टार्टिंग में जो टोटल मोमेंटम था उसकी वैल्यू जीरो थी, तो बाद वाले मोमेंटम की भी टोटल वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एम वी प्लस स्मॉल लेटर में एम वी इक्वल किसके होगा? ये जीरो के। कहने का मतलब फाइनल मोमेंटम इक्वल है इनिशियल मोमेंटम। अगर यहाँ पर हम एम वी को उधर सेंड करते हैं तो ये एम वी जो गन का मोमेंटम है इधर, उधर हम बुलेट का मोमेंटम की वैल्यू को सेंड किया तो माइनस एम वी हो गया। और ये अगर हमने वेलोसिटी निकालनी है गन की, तो एम उधर जाकर क्या होगा? डिवाइड होगा, तो यहाँ पर आ गया माइनस एम वी अपॉन एम। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम एरो डाल देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मास स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से हमने देखा जो रिकॉइल ऑफ गन है उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया है। तो इस फॉर्मूले से हमें इतना पता चलता है कि जो वेलोसिटी की वैल्यू है गन की, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शन है उसके मास के। कहने का मतलब अगर गन का मास ज़्यादा होगा तो जो उसकी वेलोसिटी है मोमेंट जब होती है आफ्टर फायर, उसकी वेलोसिटी भी कम होगी, क्योंकि यह इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एक दूसरे के। नेगेटिव साइन इसमें हमें यह बताता है कि जो गन की वेलोसिटी है और जो बुलेट की वेलोसिटी है उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। जो बुलेट है वह इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, और जो गन है वह इस डायरेक्शन में मूव होती है। जो गन की वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन से हमें ये पता चलता है कि
जो हैवियर गन होगी, अगर गन भारी होगी तो वह रिकॉइल कम वेलोसिटी से होगी। इसलिए गन को मोस्टली भारी रखा जाता है ताकि शोल्डर को चोट ना लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।